रामा भरतपुर से मकरंद जी हैं, मकरंद जी ने भेजी है कविता जी। और वो कविता भी, उसमें खास बात यह है कि जो एक बात कही गई है कि पहले तो जब रामायण आती थी तब कर्फ्यू लग जाता था, कर्फ्यू जैसा माहौल दिखता था। हाँ, मतलब कर्फ्यू लग जाता, बाजारों में बाजार सुने हो जाते थे। बिल्कुल। अब बोले पहले कर्फ्यू लगा दिया फिर रामायण दिखा रहे हो, बिल्कुल ये फर्क आ गया। तो इस फर्क को उन्होंने उल्लेखित करते हुए एक गीत लिखा है, आइए सुनते हैं उनकी कविता। A1 टीवी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं इस लॉकडाउन के संक्रमण काल में से आप सबके लिए हंसी का एक हसगुल्ला निकाल कर लाया हूं। कि इस लॉकडाउन की वजह से हमारी क्या क्या स्थितियां हो गई हैं साहब, एक चार पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखता हूं कि लॉकडाउन ने तो सब बात ही बदल डाली। अरे लॉकडाउन ने तो सब बात ही बदल डाली। अरे मोबाइल चलाते चलाते ही थका दिया और सिगरेट पीने वाले बीड़ी मांग रहे यार। अच्छे अच्छों को तो देखो भिखारी बना दिया और रामायण पहले आती कर्फ्यू सा लग जाता। कर्फ्यू लगा के रामायण को दिखा दिया और अब आपकी तालियां मांगता हूं। कर्फ्यू लगा के रामायण को दिखा दिया और घर में रहे तो बीवी झाड़ू पोछा करवाती। बाहर पुलिस जी ने मुर्गा बना दिया। बाहर पुलिस जी ने मुर्गा बना दिया। और साहब पूरी दुनिया कह रही है, डॉक्टर कह रहे हैं, हमारे PM कह रहे हैं कि भाई घर में रहो, हाथ धो, लेकिन कुछ लोग हैं साहब मानने वाले हैं ही नहीं। मैंने चार पंक्तियां वहां से भी हाशिए निकालने की कोशिश की है कि हाथ धोने वाली बात मान लीजिए नहीं तो जीवन से तुम्हें हाथ धोने पड़ जाएंगे। हाथ धोने वाली बात मान लीजिए नहीं तो जीवन से तुम्हें हाथ धोने पड़ जाएंगे। और घूमता मिले जो उसको जुलाब दे दो यार। घूमता मिले जो उसको जुलाब दे दो यार। हाथ भी धोएगा उसे घर में ही पाएंगे। और कुछ लोग हैं भले ही कितना भी समझाओ आदत से कभी यार बाज नहीं आएंगे। आदत से कभी यार बाज नहीं आएंगे। और अब आपकी तालियां मांगता हूं। आदत से कभी यार बाज नहीं आएंगे और स्वर्ग में भी उनको रखे कोई मजे में पर एक बार नरक देखने जरूर जाएंगे। एक बार नरक देखने जरूर जाएंगे। वाह क्या खूब हास्य व्यंग के माध्यम से इन्होंने संदेश भी दे दिया और उन्होंने बता भी दिया कि जुलाब दे दीजिए। एक तरीका भी उन्होंने सुझा दिया कि लोग घर में ही रहेंगे, हाथ भी धोते रहेंगे। और साथ ही उन्होंने कोरोना काल में जिस प्रकार से कर्फ्यू का माहौल है और रामायण दिखाई जा रही है, पुराने काल से इन्होंने जोड़ करके कल्पना को कविता में संजोया है। मनुष्य की प्रवृत्ति है विचरण करने की। जी, कहते हैं ना ठाला नहीं बैठा जाता। जी, अपने राजस्थान में कहते हैं ठाले बैठने की आदत नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि स्वर्ग में भी भेज दो तो सारे सुख होंगे तो भी एक बार नरक देख आएंगे। क्या देखें वहां क्या है। अभी ऐसी स्थिति बन रही है लोगों की, घर के अंदर है बाहर देख।